मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुकड़ेश्वर शहर के समीप स्थित गांव कड़ी खुर्द में गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिवसीय आयोजन का आयोजन हुआ, जिसमें नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। वहीं पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक एवं धार्मिक भजनों पर रंगारंग प्रस्तुतियां देते हुए सभी का मनमोहक किया। वहीं भगवान श्री गणेश के पंडाल में बालिकाओं द्वारा गरबा नृत्य भी किया गया। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में भाषण एवं नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिन जिन प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उन सभी को नगर परिषद अध्यक्षा उर्मिला पटवा, नगर परिषद CMO कमल सिंह परमार, सांसद प्रतिनिधि कैलाश राठौर, प्रेस क्लब सदस्य प्रदीप मौर्य व नगर परिषद कर्मचारी ऐश्वर्य द्वारा सम्मानित कर मेडल व शील्ड प्रदान की गई। तत्पश्चात सभी अतिथियों द्वारा समिति के सभी सदस्यों को रुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं हर्षोल्लास के साथ जयघोष भी लगाए और गणपति महाराज की जय भी बुलाई गई। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन यानी अनंत चौदस के दिन गणपति महाराज को बग्गी में बैठाकर ढोल नगाड़ों व DJ के साथ नगर भ्रमण पर निकाला गया, जिसमें भव्य जुलूस निकाला गया। वहीं सांस्कृतिक एवं धार्मिक गानों एवं भजनों पर नृत्य करते हुए भगवान श्री गणेश की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके पश्चात उनके विसर्जन के लिए उन्हें ढोल व नगाड़ों के साथ तालाब की ओर ले गए। देखिए गणपति महाराज के विसर्जन के ले जाते हुए कुछ विशेष झलकियां। अगर अभी तक आपने MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।